किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्ती, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में कोरोना बड़े ही तेजी के साथ एक बार फिर पैर फैला रहा है। तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मुंब्रा कौसा के सभी ऑटो रिक्शा यूनियन को निर्देश दिया गया है कि ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 पैसेंजर ही बैठाकर चलना है। अगर इससे ज़्यादा पैसेंजर बिठाएंगे तो उन रिक्शा वालों पर कार्रवाई के रूप में 300 से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य है। मुंब्रा कौसा के रिक्शा यूनियन के कई लीडर मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप पाटिल से मुलाकात की और नियम पालन करने का भरोसा दिलाया। हालांकि कई ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि उनकी कई मजबूरी है, जैसे कि बैंक का लोन भरना है और घर का खर्च भी चलाना है, मगर इन परेशानियों के सामना करते हुए उसके बावजूद भी कोरोना के मामले जो सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये ऑटो रिक्शा चालक नियम अनुसार चलने की बात कर रहे हैं। मगर वही कुछ ऑटो रिक्शा चालकों ने जो बस चल रही है उस पर भी सवाल उठाया है। रिक्शा चालकों का कहना है कि रूल सब पर होना चाहिए, कोरोना सिर्फ ऑटो रिक्शा में फैलेगा ऐसा नहीं है, बस में भी कोरोना फैलेगा, बस के लिए भी रूल और नियम लागू होना चाहिए। बहरहाल आज मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप पाटिल ने बताया है कि सभी ऑटो रिक्शा यूनियन को जानकारी दे दी गई है कि ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 पैसेंजर ही बिठाकर चलना है। अगर 2 से ज़्यादा पैसेंजर ऑटो रिक्शा में मिले तो उन ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए ऑटो रिक्शा यूनियन के लीडरों ने क्या कुछ कहा है। और क्या रिक्शे को लेकर क्या आप लोगों को गाइडलाइन दी गई है और क्या आप लोगों ने सीनियर जो मिले आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहीम शेख है, मैं महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत की तरफ से बोल रहा हूँ। कलवा मुंब्रा शहर अध्यक्ष सीनियर अपने दिलीप पाटिल साहब से मेरी बात हुई है, मीटिंग हुई है अभी अंदर, तो उन्होंने कहा जो COVID-19 जो निकला जो उसका जो GR पास है 500 फाइन 300 के ऊपर पहले से चल रहा था, लेकिन अभी मामला ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम लोग को लागू करना पड़ रहा है, जाती करना पड़ रहा है। एक 3-4 दिन 8 दिन का देखेंगे क्या होता है मामला, उसके बाद में फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना नहीं करना, उसका हल निकाला जाएगा। लेकिन इसके पहले भी जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ लोगों का साल भर या 9 महीने तक का लॉकडाउन में पूरा हफ्ता रुका हुआ था, 1.25 लाख थका हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक का कोई लागू नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कोई भरपाई नहीं किया। यहाँ तक कि इनके घर के भाड़े तक का लोग थक गए, वो तक रास्ते पे आए। और दूसरी बात तो जो कलेक्टर ऑफिस से बात करना है बस के मामले के अंदर, तो बस जो चल रही है तो इंशाल्लाह कलेक्टर से ही बातचीत हमारी हो जाएगी बहुत जल्दी, उनसे ही मामले के बारे में बात करेंगे। बस में क्या लाखों तक मतलब हज़ारों के इसमें जो बस के अंदर 50 सीट का ऑर्डर है बराबर है, तो उसके अंदर भी कम से कम 25 सीट का ऑर्डर करो COVID-19 के हिसाब से, ताकि लोग बीमार नहीं हुए। हमारे जो माँ बहन के रास्ते में जो रिक्शा जो बस में सर्विस करते उनकी तबीयत ना ख़राब हुए, अब उनको जाना है तो घुस के जाएंगे तो उनके भी लागू करो, ट्रेन के अंदर ट्रेन पे लागू करो, हर चीज़ के ऊपर सिस्टम बनाए, सिर्फ रिक्शा वाले सिस्टम मत बनाओ और ठीक है। पाटिल साहब ने एक वीडियो डाले थे तो हम लोग आए मीटिंग करने के लिए यहाँ पर, पाटिल साहब ने बोले सही साहब 2-2 सीट पर चलाओ गाड़ी, तो हम लोग बोले साहब बस है इतने बस चला इतना भर के लेके आ रहा है, तो बोला आप प्लेटर पर जाकर पेपर वर्क करो उन लोग से बात करो, ये हम नहीं कर सकता करके, तो हम लोग ठीक है अभी जब तक अभी पेशेंट बढ़ रहे बस को लेकर इतना हाँ बस में इतना भर के जा रहा है उसके लिए कोई कुछ नहीं करता उसके लिए, खाली रिक्शा वाला 2-3 सीट बिठा लेगा तो पूरे वर्ल्ड में हंगामा होता है, रिक्शा वाला इतना सीट भर के लेके जा रहा करके। लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसलिए जो है एहतियात के तौर पर अरे तो बढ़ रहा है तो सब पे करना चाहिए ना, खाली रिक्शा वाला मिलता है प्राइवेट वाला बस वाला इतना भर के लेके जा रहा है, खाली रिक्शा वाला मिलता है इन लोग को और कोई नहीं मिलता है इन लोग को। ठीक है पार्टी से हमारी बात है वही अच्छी बात है, हम लोग 2-2 सीट पे गाड़ी चलाएंगे और जो 3-4 सीट भर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग समझाएंगे उन लोग को कि भाई 2-2 सीट पे गाड़ी चलाओ करके देखेंगे आगे क्या होता है। महाराष्ट्र यूनियन की तरफ से लतीफ सईद बात कर रहा हूँ, पर ये जो COVID-19 की वजह से उन्होंने जो महामारी बढ़ रही है दुगने रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए
रिक्शा वालों के लिए भी अभी 2 सीट उन्होंने लागू कर दिया है। इस वजह से रिक्शा वाले भाई थोड़े नाराज थे, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए हम लोग पाटिल साहब के लिए के पास गए थे, लेकिन पाटिल साहब ने बोला है कि ऊपर से जीआर आया है, कोरोना दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके लिए आप भी हमको कोऑपरेट करो। बाकी तो सभी रिक्शे वालों से आप लोग क्या कहेंगे? सभी रिक्शा वाले से मेरी गुजारिश है कि ये महामारी का दौर है और जो ऊपर से जीआर आ गए हैं तो अपन जीआर का पालन करेंगे, 4-8 दिन देखेंगे, उसके बाद कुछ अपन इसका हल निकालेंगे, या तो रेट में या तो समझो 2 सीट है तो 3 सीट का कैसा डिवाइड करेंगे, आगे देखेंगे अपन। अगर बहुत ही है तो अपन आगे जाके भी अपने को भी तकलीफ है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, ये है, आप गाड़ी का हफ्ते है, कहाँ तक रिक्शा वाला भी चल पाएगा, तो थोड़ा देखेंगे हम। हाँ अभी है, फिलहाल भी है, अभी चल रहा है, हम 4-8 दिन देखेंगे इसको, अभी ये डिसीजन तो अभी सहमत है, लेकिन 4-8 दिन देखेंगे पहले ये लोग भी कितना सफर करेंगे, और बैंक वाले ये पीछे ही लगने वाले, तो थोड़ा सा हम डिसीजन लेंगे बाद में, राय मशवरा करेंगे, सब यूनियन मिलकर राय मशवरा करेंगे। जिस तरह कोरोना बड़े ही रफ्तार से बढ़ रहा है, बेहद ही चिंताजनक है, लोगों को भी नियम का पालन करना जरूरी है और मास्क भी लगाए रखना है ताकि कोरोना को रोका जा सके। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।